साथ कुछ क्वेश्चन पॉइंट में आप सभी लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग आज देख रहे हैं कि हम आज की वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों को हम नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय के बारे में आज पूरा डिटेल हम बताएंगे। यह दोस्तों यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, इसका जो है क्या क्या कोर्सेस यहाँ पे चलाए जाते हैं, कौन कौन सी डिग्रियाँ हैं, क्या है, आज पूरा डिटेल विस्तार से हम आपको बताएंगे। चलिए फिर हम बिना देर के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको डिटेल्स बता देना चाहते हैं नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय के बारे में कि यह सन 2008 में यह यूनिवर्सिटी के तौर पे स्थापित की गई थी। इसका जो अगर एड्रेस देख लेते हैं तो नेहरू ग्राम भारती जो है जमनीपुर कैंपस यानी कि जमनीपुर में यह पे है। यहाँ से करीब जमनीपुर, हनुमानगंज, कोटमा, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, यहाँ पे दोस्तों इसका फुल एड्रेस है। और यदि इसका हम एड्रेस बात कर लें, यदि हम इसके जाने के लिए, तो जो मेन प्रयागराज जंक्शन है करीब वहां से 25 से 30 किलोमीटर आसपास में एवरेज में जो आप बनारस के रूट पे आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों यदि इसकी कैंपस की हम बात कर लेते हैं तो इसकी कैंपस करीब 5 आसपास कैंपस हैं। यहाँ पे जो एक मेन जो कैंपस आपको जमनीपुर कैंपस मिलेगा, दूसरा हनुमानगंज कैंपस मिलेगा, फिर तीसरा झूठी ताली कैंपस, फिर उसके बाद सिविल लाइन जॉर्ज टाउन, यहाँ पे दोस्तों 4 से 5 आसपास इसके पूरे कैंपस हैं। तो फिर चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें कितनी डिग्रियां हैं, क्या क्या चलते हैं, एक्सप्लेन हम बताते हैं इसका। दोस्तों यदि आप इसके साइट पे, ऑफिशियल साइट पे जाते हैं तो ऑफिशियल साइट पे आप इसको जाकर इसके बारे में और भी एक्सप्लेन जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। तो इसकी अगर बात करें, यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यह दोस्तों डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो चलिए फिर हम वेबसाइट पे इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वेबसाइट पे देखते हैं, वेबसाइट पे हम देख लेते हैं, आपको बता देते हैं कि आप जैसे भी आप सर्च करेंगे NGBDU, आप सर्च इंजन पे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपका डिटेल दिखा देगा, या फिर अगर आप डायरेक्ट होम पेज पे भी जाना चाहते हैं डायरेक्ट इसका वेबसाइट देख लेते हैं तो ngv.ac.in, हम दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, आप वहां से भी जाकर मेन होम पेज पे जा सकते हैं, ऑफिशियल जो इसका साइट है वहां पे डायरेक्ट जा सकते हैं। तो चलिए फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं, बताते हैं आपको। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे NGBDU आप डायरेक्ट अगर सर्च करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी दिखा रहा है, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट जो दे रहा है आपको, ये देखिए मेन होम पेज का ये दिखा रहा है। तो ये ऑफिशियल इसकी साइट देख लिया जाए तो www.ngbv.ac.in, यहाँ पे दोस्तों आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं होम पेज पे, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहां से भी इसको डायरेक्ट जाके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो लिंक ओपन हो गया है दोस्तों, इससे मैं देखिए एडमिशन का फॉर्म है, यहाँ पे डिटेल है क्या क्या है। फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं अबाउट अस, यानी कि यहाँ पे अबाउट दे रहा है, अबाउट कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे आप क्लिक किए, वहाँ पे लिख रहा है फर्स्ट जो दे रहा है अबाउट NGB, यानी कि यह डीम्ड यूनिवर्सिटी है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये देखिए दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक कर लिए हैं, अब देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है नीचे अबाउट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बारे में जो दे रहा है, नेहरू ग्राम भारती डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ऑक्युपाइज एंड एस्टिमेटेड प्लेस अमंग, जो भी डिटेल्स आप यहाँ से इसको पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पे जो दे रहा है कि स्टेबलाइज 27 जून 2008, यानी कि 27 जून 2008 को इसका स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद इसके पहले दोस्तों इसका जो फाउंडेशन पड़ गया था 26 जुलाई 1962 में इसका जो फाउंडेशन पड़ा था। इसके पहले दोस्तों यह एक क्या कह सकते हैं कि महाविद्यालय हुआ करता था, उसके बाद फिर बाद में इसको यूनिवर्सिटी का मान्यता मिल गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्या क्या है यहाँ पे जो दे रहा है कि द नेहरू ग्राम भारती ड्रीम टू बी यूनिवर्सिटी इज कम्पोज्ड, यहाँ पे जो दे रहा है कम्पोज्ड 6 कैंपस है, हमने थोड़ा पांच ही बताया था, फिर यहाँ पे 6 कैंपस है, इंटायरिंग अप्रोक्सीमेटली 76 acres ऑफ लैंड स्प्रेड ओवर विद इन रेडियस ऑफ अबाउट 5 kilometers, द कैंपस आर अस अंडर, यानी कि यहाँ पे इसके कैंपस के डिटेल बताया जा रहा है, इसका कितना एरिया है, जो भी सब डिटेल्स इसमें दिया जा रहा है। फिर उसके बाद इसके पास क्या क्या फैसिलिटीज वहाँ पे दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए नीचे दे रहे हैं नेहरू ग्राम भारती डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जमनीपुर मेन कैंपस, यानी कि जो इसका दे रहा है मेन जो कैंपस है यहाँ पे जमनीपुर मेन कैंपस इसका है। फिर वहाँ पे जो मेन कैंपस में जो क्लासेस चलाए जाते हैं, जो फैसिलिटीज क्या क्या है, आइए उसको हम देख लेते हैं। तो दे रहा है द लश ग्रीन कैंपस हैज बिल्टेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वहाँ पे है। फिर उसके बाद क्या क्या, वहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी भी है, फैकल्टी ऑफ टीचर एजुकेशन की फैकल्टी वहाँ पे है, आर्ट की फैकल्टी है, फिर साइंस की फैकल्टी है, कॉमर्स की फैकल्टी है। फिर द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, यहाँ पे जो कोर्सेज जो चलाए जाते हैं, यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट,
यानी कि बैचलर आप बीए जो क्लासेस चलती हैं वहाँ पे, फिर उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट दे रहा है, इन सब्जेक्ट एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी, एजुकेशन, संस्कृत, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक एंड फिलोसफी। ये दोस्तों बीए का बात हो गया। अब बीकॉम की बात करते हैं हम। बीकॉम की यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो आइए बढ़ते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं बीकॉम में कि ये बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि बीकॉम की बात कर लेते हैं, बैचलर ऑफ साइंस यहाँ पे जो बीएससी की बात कर लेते हैं, तो किस किस सब्जेक्ट से होता है वहाँ पे, फिजिक्स से होता है, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, यहाँ से आप जो बीएससी करना चाहते हैं आप इन सब्जेक्ट से बीएससी वहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड की बात कर लेते हैं, तो बीएड बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन यानी कि स्पेशल एजुकेशन यानी कि हियरिंग इम्पायरमेंट, फिर उसमें दे रहा है दोस्तों। उसके बाद की बात कर रहे थे दोस्तों यहाँ पे बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड की बात हो रही है, फिर बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन यहाँ पे हायरिंग इम्पायरमेंट, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई, यानी कि यदि आप डीएड भी करना चाहते हैं स्पेशल एजुकेशन से एचआई से, तो भी फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल है। फिर उसके बाद बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड, दोस्तों यह इस कॉलेज में अगर कह लीजिए तो एक नया कोर्स है बीएलएड बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 4 वर्षीय का कोर्स है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड आर बीइंग ऑफर्ड इन दिस कैंपस, द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज मास्टर ऑफ आर्ट, ये तो यूजी के अंडर में आ गया। अब यदि एमए कर लेते हैं यानी कि मास्टर डिग्री जब बात कर लेते हैं, तो मास्टर डिग्री के कौन कौन से कोर्सेज होते हैं उसमें हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एंशियंट हिस्ट्री के साथ कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं, हिंदी, एजुकेशन, संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, होम साइंस, फिलोसफी एंड जियोग्राफी, ये एमए से कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि इन इन सब्जेक्टों से आप मास्टर डिग्री यहाँ से कर सकते हैं। फिर आगे भी दे रहा है मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ साइंस यानी कि एमएससी, ये एमएससी करना चाहते हैं एमकॉम, एमएससी, एमएससी यदि बात कर लेते हैं तो फिजिक्स में एमएससी कर सकते हैं, केमिस्ट्री से कर सकते हैं, जूलॉजी से कर सकते हैं, मैथमेटिक्स एंड बॉटनी, इस कैंपस में ये सारे कोर्सेज संचालित किए जाते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड का भी कोर्स इसी कैंपस में चलाया जाता है। फिर आगे बात कर लेते हैं मास्टर ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन हियरिंग यानी कि एमएड स्पेशल एजुकेशन एचआई, यानी कि दोस्तों यदि आप मास्टर डिग्री एचआई से करना चाहते हैं स्पेशल एजुकेशन से, तो भी कोर्स इसी कैंपस में यहाँ पे संचालित किया जाता है। फिर उसके बाद आर बीइंग ऑफर्ड इन दिस कैंपस, दोस्तों इस कैंपस फैकल्टीज की यदि हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो होम पेज है आप जाएंगे यहाँ पे एकेडमिक्स, यहाँ पे एकेडमिक्स जो दिया हुआ है, फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है फैकल्टी डिपार्टमेंट्स, कौन कौन से फैकल्टीज हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे इसमें डीपली यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद आ जाइए, ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे सर क्लिक किया है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए डीपली क्या क्या दे रहा है, फैकल्टी ऑफ आर्ट दिया हुआ है, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, यानी कि ये सब ये जो कैंपस हैं ये सब नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी के पास हैं। और यदि इस कैंपस दोस्तों इस कैंपस की बात किया है, जो भी बात हो रही थी इस कैंपस की बात हो रही थी, और उसके बाद दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि और डीपली इसके बाद जाने के लिए इसके बारे में, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप डिटेल जाकर वहां से इसको आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हमने कुछ अधूरा रह गया हो तो आप वहां से भी इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप इसका प्रोस्पेक्टस भी इसका डाउनलोड करके देख सकते हैं, सारे जो कोर्स चलाए जाते हैं, सारे कोर्स जितनी संचालित किए जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, हर एक कोर्स यहाँ पे संचालित किया जाता है। आगे इसके प्रोस्पेक्टस भी हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से है। तो ये देखिए दोस्तों ये प्रोस्पेक्टस है। अब यहाँ पे जो दे रहा है नीचे नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी, यहाँ पे डिटेल जो दे रहा है आप, यहाँ पे जो जे एन मिश्रा सर यानी कि कुलाधिपति, हम ऐसे सर को हम प्रणाम करना चाहते हैं कि सर आपके कर्मों कलम से बहुत सारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो रहा है, और जितने भी इस ग्रामीण को आपने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, और ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसे महान पुरुष और बहुत सारे हों, और ऐसे महान पुरुष को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं यहाँ पे दे रहा है जो जे एन मिश्रा सर हैं कुलाधिपति जो हैं, फिर यहाँ पे जो दे रहे हैं इनका संदेश है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कुलपति हैं राम मोहन पाठक, यानी कि श्री राम मोहन पाठक सर यहाँ पे कुलपति यानी कि वाइस चांसलर हैं यहाँ के।
फिर यहाँ पे देखिए क्या क्या यहाँ पे डिग्रीज कौन कौन सी यहाँ पे कंडक्ट यहाँ पे जो संचालित की जा रही है, ये जो 2021 और 22 सेशन का यहाँ पे जारी किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे दे रहा है द स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन, यहाँ पे दोस्तों ये दे रहा है बीए फर्स्ट ईयर का दे रहा है। यहाँ पे ये बीए फर्स्ट ईयर का कोर्स कौन कौन सा इसमें रन कराए जाते हैं और कोर्स का कॉम्बिनेशन दे रहा है। पहला दे रहा है हिंदी इकोनॉमिक्स फिलोसफी, हिंदी ज्योग्राफी, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी सोशियोलॉजी ज्योग्राफी, हिंदी पॉलिटिक्स। मीन्स दोस्तों आप जो भी यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है, आप यहाँ से जो भी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं बीए का जो सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ पे दिया हुआ है, इसी सब्जेक्ट से आप यहाँ पे बीए कर सकते हैं। यहाँ पे फिर नीचे दे रहा है यहाँ पे सारे दोस्तों यानी कि 61 दोस्तों 61 कोर्सेज जो है बीए में आप कर सकते हैं इतने सब्जेक्टों के कॉम्बिनेशन के साथ। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें क्या दे रहा है एलिजिबिलिटी एंड फी स्ट्रक्चर एंड फॉर अंडर ग्रेजुएट एकेडमिक प्रोग्राम्स, यानी कि जो इसका फी स्ट्रक्चर है आप किसी भी जिस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं इसका टोटल यहाँ पे फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यानी कि पहला जो दे रहा है बीए दे रहा है, फिर बीएससी दे रहा है बीएससी किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, मैथ से करना चाहते हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से करना चाहते हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस, यानी कि यहाँ पे जो सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल फीस दिया हुआ है। ये दोस्तों बता रहे हैं कि 2021-22 सेशन का प्रॉस्पेक्टस है, आप यहाँ से डिटेल देख लेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे नीचे दे रहा है क्या क्या है, बीएससी दे रहा है, बीकॉम है, बीपीए है, बीए एलएलबी एंड साइंस दे रहा है, फिर एमए एंशिएंट, एमए एजुकेशन, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए होम साइंस, एमए फिलोसफी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए संस्कृत, एमए सोशियोलॉजी, एमए ज्योग्राफी, एमए इकोनॉमिक्स। यहाँ पे सारे डिटेल्स जो दोस्तों यहाँ पे दे रहा है आप यहाँ से इसको देख लेंगे। फिर बात कर रहे हैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की, यानी कि हम पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर लेते हैं, तो जो भी पोस्ट ग्रेजुएट में कोर्स आते हैं किन कौन से कोर्स से कोर्स है, और फिर इसकी सारी डिटेल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एमए दे रहा है कि एमकॉम दे रहा है, यहाँ पे कितने का है, कितने ड्यूरेशन का है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एग्जामिनेशन फीस क्या है, टोटल यहाँ पे आपको दे रहा है जो भी चीज़ आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एमएससी जो दे रहा है फिजिक्स का दे रहा है, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथ, एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी, एम लाइब्रेरीज एंड साइंस यहाँ पे दे रहा है। फिर उसके बाद एम म्यूजिक बीपीए सॉरी एमपीए म्यूजिक से दे रहा है, यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए इसको दिया हुआ है। फिर उसके बाद आ जाइए यहाँ पे अंडर प्रोफेशनल जो कोर्स हैं यूजी में यानी कि अंडर ग्रेजुएट के तहत जो प्रोफेशनल कोर्स हैं उसके यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। बीसीए दिया हुआ है, बीबीए दिया हुआ है, बीटीसी ऑब्लिक डीएलएड यानी कि जिसको बीटीसी या डीएलएड कहा जाता है, पूर्व नाम बीटीसी और करेंट में जो नाम इसका चल रहा है डीएलएड। फिर उसके बाद बीएड दे रहा है, फिर बीएड एचआई दे रहा है, फिर इसके बाद बीएड एचआई के साथ बीए एलएलबी 5 इयर्स का जो है कोर्स चलता है बीए एलएलबी, ये सारे कोर्स दोस्तों यहाँ पे रन कराए जाते हैं। फिर उसके बाद आगे आ जाइए एलएलबी 3 इयर्स के दे रहे हैं बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, यहाँ पे जो आपने देख लिया कि बीएस जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से डीएड एचआई से कर रहे हैं, फिर उसके बाद बीएलएड कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो दोस्तों बीएलएड है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या आप में इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, इसका जो कैसे कैसे क्या है, आप वहाँ पे कॉलेज में कॉन्टेक्ट करके सारी जानकारी और यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, नीचे दे रहा है फिर एलिजिबिलिटी एंड फी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट एकेडमिक प्रोग्राम, यानी कि ये भी यहाँ पे एमएसडब्ल्यू है, एमबीए है, एमएड है। फिर उसके बाद नीचे आ जाइए कौन से, अब एमएड एचआई है, यहाँ पे एमएड एचआई, एमसीए, पीजीडीसीए, एमए मास, एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन यानी कि एमजे एमसीएन पत्रकारिता विभाग से। फिर उसके बाद दोस्तों आ रहा है यहाँ पे पीजीडीसीए, पीजीडीजेएमसी, फिर एलएलएम है यहाँ पे। फिर उसके बाद आ जाइए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा है, उसके बाद एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट यानी कि जिसको कहते हैं पीजीडीआई ईआईए, फिर उसके बाद एक्वेल्चर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, फिर उसके बाद श्री गंगा सेवक है, ज्योतिष कर्मकांड एंड वास्तुशास्त्र है, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, फिर ह्यूमन राइट्स, श्री गंगा रक्षक, फिर टैली है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, लैक कल्चर, फिशरिंग, मशरूम फार्मिंग, मेडिकल प्लांट एंड कल्टीवेशन है, फिर उसके बाद एडवोकेट क्लर्क, फिर रूरल इंटर
इंटरप्रिटेशन पंप सेट मेंटेनेंस, ये दोस्तों सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ से जो भी कोर्स से आप डिटेल ले सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया गया फैसिलिटीज क्या क्या दिए गए हैं एनजीबी में, ये देखिए, ये बात कर लीजिए, ये गर्ल्स हॉस्टल है, यानी कि ये देखिए गर्ल्स हॉस्टल, ये दोनों गर्ल्स हॉस्टल का जो है बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था की गई है वहाँ पे हॉस्टल में। फिर यहाँ पे समय समय से जरूरत के हिसाब से या फिर नियमित रूप से योगा भी वहाँ पे कराया जाता है। और बात कर लीजिए कंप्यूटर लैब भी बहुत बेहतरीन तरीके से, यानी कि दोस्तों फैसिलिटीज के मायने में कर लीजिए तो बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटीज है। आप उसको, आपको एक बार उसे जरूर चेक करना चाहिए। फिर उसके बाद हमने जैसा कि बताया था पिछले वीडियो में, जैसे उसके बाद बस की भी जो फैसिलिटीज है आपको दोस्तों, यदि आप एडमिशन इसमें लेना चाहते हैं अभी कोई भी एडमिशन के तहत, या कोई भी अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप चाहे किसी भी कैंपस में जाकर करवा सकते हैं। चाहे यदि आप नेहरू ग्राम भारती का मेन कैंपस यानी कि जमनीपुर जा सकते हैं, हनुमानगंज जा सकते हैं, जस्ट टाउन जा सकते हैं, या फिर सिविल लाइन या झूठी ताली कहीं भी आप जाकर उसको, इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो भी एडमिशन प्रोसेस क्या है आप उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप वहां पे भी यहां पे एडमिशन ले सकते हैं। और दोस्तों यदि आप सिविल लाइन का एड्रेस जो बता दें, तो सिविल लाइन में जो रोडवेज है, रोडवेज के जस्ट बगल में पी स्क्वायर मॉल है, सेकेंड फ्लोर पे इसका कैंपस है। और झूठी ताली तो आप वहां जाएंगे तो करीब मेन कैंपस से 500 या 600 700 मैक्सिमम होगा, तो वहां पे उतना मीटर डिस्टेंस होगा इसका। और हनुमानगंज मेन कैंपस से करीब 5 से 6 किलोमीटर आपका मेन कैंपस होगा। तो ये दोस्तों इसकी जानकारी रही, आप यहां से जाकर आप इसके इंक्वायरी कर सकते हैं, प्लस इसकी आप एडमिशन भी ले सकते हैं। दोस्तों बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है, यह जानकारी आपको कैसी लगी है। यदि आपको पसंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नेहरू ग्राम भारती से रिलेटेड सारी जानकारियां, लगभग सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, जब भर कोशिश करते रहेंगे कोई इन्फॉर्मेशन आपसे न छूट पाए। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।